राजधानी जयपुर के साथ ही पूरे प्रदेश भर में निर्जला एकादशी भक्ति भाव से मनाई जा रही है। मंदिरों में मंगला आरती से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया और इसी दौरान श्रद्धालुओं ने मिट्टी के घड़े, खरबूजे, आम, पंखी मंदिरों में चढ़ाकर पूजा अर्चना की और साथ ही इस अवसर पर मंदिरों में विभिन्न झांकियां भी सजाई गई। इसके अलावा जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में भगवान को नूतन पोशाक धारण करवाई गई और ठाकुर जी को अलग अलग व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। वहीं परकोटे वाले गणेश मंदिर में निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं के गन्ने का जूस पिलाकर सेवा की गई। आज निर्जला ग्यारस बड़ी ग्यारस होती है। महंत साहब का आदेश हुआ कि आज गन्ने का उस जूस सबको वितरित किया जाए, तो मैं महंत साहब को, कैलाश जी का बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ, तो उनके आदेश की पालना करी और ये जूस का कार्यक्रम हमने आयोजन किया है और सभी गर्मी के मौसम में सबको गन्ने के जूस से प्रकृति के नियमों के लिए भी ठीक रहता है कि उससे गर्मी, धूप, ज्येष्ठ के में ये सब कम रहता है। परकोटा गणेश मंदिर की ओर से सभी भक्तजनों के आशीर्वाद की तरफ से निर्जला एकादशी पर गन्ने का रस वितरण का आयोजन रखा गया है, जो ज्येष्ठ के महीने में बहुत ही बड़ी ग्यारस होती है। इस दिन धर्म कर्म जितना ज़्यादा कर सके उतना बहुत बढ़िया रहता है। सभी भक्तों के सहयोग से यह आयोजन किया गया है। जय श्री गणेश।